बच्चों इस वीडियो में शुरू कर रहे हैं प्रश्न नंबर 21 से। प्रश्न 21वां है, tan² 2x - 3 dx। अब इसको पहले हम क्या करते हैं, माना अरे इनको हटाएंगे, 2x - 3 = 3 मान लेते हैं, अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, हो जाएगा 2 dx / dt। तो मिल जाएगा हमको dx = 1/2 dt। अब ये जो इसका रूप ऐसा हो जाएगा समाकलन, और 1/2 जो मिला उसको बाहर कर लेंगे, इससे 1/2 को बाहर कर लेंगे, मिल जाएगा हमको tan² t dt। अब 1/2 tan² का समाकलन हो नहीं पाएगा, तो इसको बदल देंगे इसके रूप में sec² t - 1 के रूप में dt। अब अलग अलग कर लेते हैं इनको, 1/2 sec² t dt माइनस 1/2 समाकलन फिर dt। जब इनका समाकलन करेंगे तो हमको मिल जाएगा 1/2 tan t, 1/2 ये हो गया, और इसका हो जाएगा tan t, और माइनस ये हो जाएगा 1/2 t। अब क्या करेंगे हम, जो हम मान माने हैं t का कितना 2x - 3 वही मान रख देते हैं, हो जाएगा 1/2 tan 2x - 3 और फिर माइनस 1/2, यहां पर प्लस सी भी होगा, ये हो जाएगा 2x - 3 + c। ठीक, तो ये हो गया प्रश्न नंबर 21 का समाकलन, ठीक। अब प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। प्रश्न नंबर 22 है sec² 7 - 4। कहा गया है प्रश्न नंबर 22 में sec² 7 - 4 dx। अब ये हो जाएगा, यहां मानेंगे हम, पहले हटाना होगा 7 - 4x को, लिखेंगे माना 7 - 4x = t। यक्ष के सापेक्ष में इनका अवकलन करेंगे, हमको मिल जाएगा -4 dx / dt। ये हो जाएगा dx - 1/4 dt। ठीक, -1/4 dt। अब क्या करेंगे हम, 7 - 4x के स्थान पर t रख देंगे और dx के स्थान पर -1/4 dt रख देंगे। हमको इसका रूप हमको कैसा मिलेगा, मिल जाएगा समाकलन और -1/4 dt मिलेगा। तो उस -1/4 को हम बाहर कर लेते हैं, यहां पर होगा ये sec² t dt। ठीक, sec² है, और यहां पर जो ये है t बन गया है, और ये dt / -1/4 बन गया है। ठीक, अब ये हो गया, अगर इसका हमें समाकलन करना होगा तो क्या होगा, प्रश्न नंबर 21 में क्या हुआ था -1/4 है, और ये हो जाएगा tan t + c -1/4, और इस tan को रहने देंगे, और t के स्थान पर क्या रखा जाएगा, 7 - 4x, क्या रखा जाएगा 7 - 4x + c। यह हो गया प्रश्न नंबर 22 का समाकलन, ठीक। अब प्रश्न नंबर 23 लगाएंगे, प्रश्न नंबर 23 है sin inverse x / √ 1x² sin inverse x / √ 1 - x² dx। यहां पर हम क्या करेंगे, sin inverse x को t मान लेते हैं, माना sin inverse x dx = t। x के सापेक्ष करेंगे इनका अवकलन, तो हो जाएगा 1/√ 1 - x² dx / dt। तो क्या हो जाएगा, इनके स्थान पर t हो जाएगा और इनके स्थान पर dt हो जाएगा। तो इसका रूप जो मिलेगा, हमको मिलेगा t
टी डी टी, क्या मिलेगा टी डी टी। इनका हम अवकलन जब करेंगे, इनका समाकलन जब करेंगे, हमको मिल जाएगा एक बटा दो टी स्क्वायर प्लस सी, क्या मिलेगा एक बटा दो टी स्क्वायर प्लस सी। टी का मान लो क्या माने हैं, साइन इनवर्स एक्स, एक बटा दो साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। ये हो गया प्रश्न नंबर 23 का समाकलन, प्रश्न नंबर 23 का समाकलन। प्रश्न नंबर 24 से पढ़ेंगे अब। प्रश्न नंबर 24 क्या है, कहा गया है 2 cos x - 3 sin x, 2 cos x - 3 sin x, 2 cos x माइनस 3 sin x और बटे है 6 cos x धन 4 sin x। ठीक, अब क्या होगा, हमें क्या करना है, समाकलन। तो नीचे से देख रहे हैं दो कॉमन हो रहा है, 2 3 6 2 2 4 दो कॉमन हो रहा है, तो उस दो को हम एकदम बाहर कर लेते हैं, हो जाएगा 1/2 2 cos x - 3 sin x बटे, इनको पहले लिख लेते हैं 2 sin x और ये बाद में प्लस 3 cos x डी एक्स। क्या किया गया है, यहां नीचे से दो कॉमन कर लिया गया है, बाहर कर दिए हैं 1/2 और ये 2 sin x पहले फिर 3 cos x बाद में लिख दिया गया है। अब यहां पर मान लेते हैं हम इनको मानेंगे टी, माना 2 sin x प्लस 3 cos x बराबर टी। यक्स के सापेक्ष जब इनका अवकलन करेंगे हमको मिल जाएगा 2 cos x माइनस 3 और इसका होता है प्लस 3 रहेगा, लेकिन cos x का होता है माइनस sin x, तो ये हो जाएगा माइनस 3 sin x dx बराबर dt। ठीक, तो क्या होगा, इनके स्थान पर t रख दिया जाएगा और इनके स्थान पर हो जाएगा dt। तो हमको इनका कैसा रूप मिल रहा है, 1/2 1/2 समाकलन का चिन्ह है, फिर ये जो dt बना है और ये t, मतलब 1/t dt। तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा इनका समाकलन करने पर 1/2 और इसका होता है log t, इसका होता है log t प्लस c। अब t का जो मान लोग माने वो रख लेते हैं यहां पर, तो हो जाएगा 1/2 और अंदर में नहीं 1/2 log ब्रैकेट में लिख लेते हैं 2 sin x + 3 cos x ब्रैकेट बंद करके प्लस सी। ठीक, तो प्रश्न नंबर 24 का समाकलन हो गया ये। ठीक, यही है अपना आंसर। अब